तो करें स्टार्ट। हाँ जी, हेलो वन, कैसे हो आप सभी लोग? सब बढ़िया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में भी हम बात करेंगे हमेशा की तरह बिटकॉइन के बारे में एंड मार्केट से आने वाली कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। तो वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे, वीडियो को लाइक करना ही है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने ट्विटर एंड टेलीग्राम के लिंक दिए हैं, तो उन पर भी जाकर मुझे जरूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मार्केट से अगर कल ना कोई इमरजेंसी, कोई अर्जेंट अपडेट आई, तो सबसे पहले मैं ट्विटर टेलीग्राम पर आपके साथ वो चीज़ शेयर करूंगा। तो ध्यान रखना, ट्विटर टेलीग्राम पर मुझे फॉलो कर लेना। चलो बात करते हैं पहले ओवरऑल मार्केट के बारे में। देखो, ओवरऑल मार्केट आज थोड़ा आपको ठीक ठाक देखने को मिल रहा होगा। बिटकॉइन में कोई इतनी बहुत बड़ी गिरावट या फिर बड़ा देखने को नहीं मिली है। XRP जरूर से 5% के आसपास पंप हुआ है, तो बात करेंगे इसके बारे में भी। पहले बात करते हैं देखो बिटकॉइन की प्राइस प्रेडिक्शन के बारे में। लास्ट वीडियो में जो बात मैंने कही थी, एग्जैक्टली वो चीज़ अभी भी फॉलो हो रही है। हमने डिस्कस करा था कि एक पंप आए, फिर यहाँ पर रीटेस्ट, और देखो रीटेस्ट मक्खन की तरह से रीटेस्ट हुआ है। तो यहाँ पर मेरा जो लॉन्ग है अभी वो कंटिन्यू है, जो कि मैंने 26,200 से स्टार्ट करा था। तो आप चाहें तो अपना जो लॉन्ग है वो इस वाले जोन के आसपास जाके क्लोज कर सकते हो, या फिर यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते हो। 28,700 से यहाँ पर एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस हमें मिलेगा, तो इस बात का ध्यान रखना, और यही बिटकॉइन की सीधी बात है। मार्केट की अपडेट्स की बात करें तो पहली अपडेट सीजे से जुड़ी हुई है, ज़्यादा इसको खींचूंगा नहीं। बात क्या है, सीजे के ऊपर पहले ये इल्ज़ाम लग रहे थे, और अभी से नहीं, बहुत पहले से ही लग रहे हैं, कि सीजे ने $40 मिलियन जो है वो SBF को दिए थे, यानी कि FTX के जो फाउंडर है उसको दिए थे फ्यूचर एक्सचेंज लॉन्च करने के लिए, क्रिएट करने के लिए। लेकिन अभी इनका रिप्लाई आया है इस बात पर कि देखो, मैंने कोई $40 मिलियन नहीं दिए हैं फ्यूचर एक्सचेंज लॉन्च करने के लिए, बनाने के लिए। हाँ, ये जरूर से बात ठीक है कि मैंने FTX के अंदर कुछ पैसा इन्वेस्ट करा था, FTX का जो टोकन है FTT उसके अंदर जरूर से इनके कुछ पैसे थे, जो कि उन्होंने सेल भी कर दिए। तो जो बात 40 मिलियन की है ना, वो उन्होंने बिल्कुल इस बात का खंडन कर दिया है कि मैंने कोई पैसा नहीं दिया है SBF को फ्यूचर एक्शन लॉन्च करने के लिए या फिर क्रिएट करने के लिए। तो ये एक र्यूमर आप कह सकते हो, सीजे ने इस तरीके से डिक्लाइन कर दिया है अपनी इस बात पर। तो दूसरी अपडेट की तरफ बढ़े। अब दूसरी अपडेट क्या है कि भैया इंडिया से जुड़ी हुई है, कि इंडिया अभी ग्लोबल डेटाबेस तैयार कर रहा है क्रिप्टो एक्सचेंजों का। इसका क्या मतलब है? देखो, अभी क्या है कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट सेंट्रलाइज एक्सचेंज, जो हमारे इंडियन सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, उनसे तो डाटा मांग ही सकती है, लेकिन जो इंटरनेशनल एक्सचेंजेस है उन पे से भी उनको डाटा लेने के लिए थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो अभी क्या, इंडिया दुनिया भर की कंट्रियों के साथ में मिलकर एक ग्लोबल डेटाबेस तैयार कर रहा है, जिसका बेसिकली पर्पज़ क्या होगा कि जितने भी एक्सचेंजेस है, वो चाहे नेशनल या इंटरनेशनल हो, वहाँ पर से जो यूज़र्स होंगे उनका वो डेटा डायरेक्टली ले सके कि भैया उन्होंने किस किस एक्सचेंजों के ऊपर कौन सा ट्रेड करा था और कितने पैसे ट्रांसफ़र थे। इस तरीके से वो ग्लोबल डेटाबेस तैयार करना चाहता है, जिसके अंदर दुनिया भर की भागीदारी भी उसके अंदर चाहिए, कि भैया बाकी के जो एक्सचेंजेस है, जैसे बाइनेंस हो गया, कुकोइन हो गया, किसी पर KYC हो रखी है तो किसी पर KYC की जरूरत नहीं है। तो इन सभी का जो सार है वो अब ग्लोबल डेटाबेस के अंदर आएगा। ओके, और ये जो ग्लोबल डेटाबेस है बेसिकली किस चीज़ के लिए बनाया जा रहा है, कि डार्क वेब पर जो भी ऑपरेशंस होते हैं, या फिर मनी लॉन्ड्रिंग जो होती है, टैक्स चोरी जो होती है, उनसे बचाया जा सके, या फिर सरकार जो है इन चीज़ों पर निगरानी करके उन चीज़ों को होने से रोक सके। तो बेसिकली ग्लोबल डेटाबेस जो है वो अभी तैयार किया जा रहा है, और ऐसा बताया जा रहा है कि बाय द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर आ सकता है ये ग्लोबल डेटाबेस, यानी कि 2024 से आप रफली मान लो कि 2024 तक ग्लोबल डेटाबेस आ जाएगा, जिसके अंदर भैया जो भी जानकारियां होगी वो आ जाएगी। यानी कि अगर आपने इंटरनेशनल एक्सचेंजों का भी यूज़ किया होगा, वो चाहे KYC वाला हो या नहीं हो, उसकी डिटेल भी आ जाएगी। लेकिन हार्डवेयर वॉलेट के लिए क्या अभी समाधान है, क्योंकि हार्डवेयर वॉलेट के अंदर कोई इतनी KYC की जरूरत नहीं पड़ती, और वो सेंट्रलाइज भी नहीं है। तो हार्डवेयर वॉलेट मान लो मैं हूँ और मेरा एक फ्रेंड है, वो हार्डवेयर वॉलेट के अंदर ही ट्रांजेक्शन कर रहे हैं आपस में, तो फिर उसको किस तरीके से सरकार ट्रैक करेगी, या फिर ये ग्लोबल डेटाबेस ट्रैक करेगा, वो भी एक बड़ा डाउट है। ठीक है, तो कुल मिला के बात ये कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट ग्लोबल डेटाबेस तैयार कर रही है, ऐसा मार्केट से अपडेट मिल रही है, तो ये खबर आई है। इसके अलावा नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो शिबा इनू के जितने भी होल्डर्स है वो थोड़ा सा ध्यान रखना। अभी हुआ क्या है कि आज के दिन एक अपडेट निकल के आई, ये आज ही की अपडेट है, कि शिबा इनू के जो चीफ मार्केटिंग ऑफिसर है, उनका जो टेलीग्राम है या फिर उनका जो डिस्कॉर्ड सर्वर है, वो हैक हुआ है, कॉम्प्रोमाइज हुआ है। तो बेसिकली उनका जो अकाउंट हैक हुआ था, हैक करने के बाद में जो हैकर है उसने एक फेक एयरड्रॉप लॉन्च करा। यहां पर आप देख सकते हो, मैं आपको बताता हूं, इस तरीके से एक फेक शिबा इनू का एयरड्रॉप उन्होंने अनाउंस करा, जिससे कि आपको इस समय बचना चाहिए। तो मतलब की सीधी बात क्या है कि अगर आपको शिबा इनू के किसी भी ट्विटर हैंडल हो, टेलीग्राम हो या फिर डिस्कॉर्ड सर्वर हो, वहां पर अगर आपको इस तरीके से कोई एयरड्रॉप का अपडेट मिले, तो आप वहां पर सतर्क हो जाना,
क्योंकि वो एक हैकिंग पोस्ट भी हो सकती है या फिर एक फिशिंग पोस्ट भी हो सकती है। तो एयरड्रॉप वगैरह के चक्कर में भी मत आओ, क्योंकि शिबा की तरफ से कोई एयरड्रॉप किसी भी तरीके का, चाहे वो बोन टोकन हो, शिबा इनू खुद हो या फिर इनके इकोसिस्टम का बाकी कोई भी प्रोजेक्ट हो, उनका कोई एयरड्रॉप नहीं चल रहा है, तो इस बात का ध्यान रखना। लेकिन ये तो बात ध्यान रख ही लेंगे कि भैया हाँ कोई भी लिंक पर क्लिक नहीं करेंगे, कोई एयरड्रॉप नहीं चल रहा है, ये तो ठीक बात है। लेकिन शिबा का क्या हाल चाल चल रहा है वो तो बात करें ना। देखो शिबा का हाल ये चल रहा है कि पिछले 22 दिनों से, रफली एक महीना आप बोल दो, एक महीने से शिबा इनू एक परफेक्ट रेंज के अंदर चल रहा है। यहाँ पर आप देखो कितनी मक्खन रेंज ये बनी हुई है, और इस रेंज का जो है वो किसी भी टाइम हमें ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। यहाँ पर देखो कितने रेजिस्टेंस, कितने सपोर्ट ये बना रहा है, यहाँ पर सपोर्ट, यहाँ पर सपोर्ट, यहाँ पर, मतलब चार पाँच सपोर्ट और चार पाँच रेजिस्टेंस इसको मिल रहा है, और एक रेंज के अंदर शिबा इनू अभी चल रहा है। और जब भी इस तरीके की रेंज फॉर्मेशन होती है ना, पता ही आपको, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के बाद में फिर बड़ा ही मूवमेंट आता है। और इस बार जो मुझे उम्मीद है वो शिबा के ब्रेकआउट से, यानी कि इस तरीके से सपोर्ट मिलने के बाद में अगर इसका ब्रेकआउट हुआ तो भैया तगड़ा मूवमेंट शिप के अंदर आ सकता है। क्योंकि देखो बिटकॉइन भी जो है थोड़ा इस मंथ हमें पॉजिटिव देखने को मिल सकता है, और साथ ही ये वाला सपोर्ट, तो शिबा इनू का स्पेशली ध्यान रखे रखना, अपने ये सपोर्ट पर भी चल रहा है। ओके, तो ये बात हो गई शिबा के टीए के बारे में। और ये बात भी ध्यान रखना कि कोई भी ऐसी आपको फिशिंग अपडेट मिले तो उससे सतर्क रहे। अगली अपडेट ये एसएससी से जुड़ी हुई है और रिपल के केस से जुड़ी हुई है। देखो आज आपको ये रिपल 5% जो पंप होता हुआ देखने को मिला है ना, इसके पीछे की अपडेट वैसे तो मैंने सुबह टेलीग्राम पर आपके साथ शेयर कर दी थी कि जो जज है बेसिकली उन्होंने अपील एसएससी की रिजेक्ट कर दी है। अपील क्या है कि सबको पता है कि एसएससी और रिपल का केस लगभग 2-3 सालों से चल रहा है मार्केट में। एसएससी ने ये दावा करा था कि भैया जो एक्सआरपी है वो सिक्योरिटी है, ठीक है, जबकि जो रिपल है उन्होंने साफ कर दिया था कि XRP उनका जो कॉइन है वो सिक्योरिटी नहीं है, सिक्योरिटी कैटेगरी के अंदर नहीं आते। फिर इसके बाद में जो मामला है वो कोर्ट में गया, कोर्ट के अंदर भी जो रिपल का पक्ष था वो भारी होता हुआ दिखा। फिर जो जज थे उन्होंने जो केस था वो रिपल के पक्ष में डाला। फिर उसके बाद में जो SSC है उसने रीअप्लाई करा, अपील डाली, फिर इस अपील को भी वापस से रिजेक्शन मिली है। तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव बात है कि जो जज है वो भी रिपल के पक्ष में फैसला और आगे सुना सकते हैं। तो ये एक पॉजिटिव अपडेट आई है रिपल के लिए। ना सिर्फ ये वाली अपडेट, इसके अलावा आप ये वाली अपडेट भी देख सकते हो कि रिपल को फुल लाइसेंस मिल गया है सिंगापुर के अंदर ऑपरेशन करने का। तो ये भी कहीं ना कहीं एक अच्छी बात है। तो रिपल का भैया इस समय मामला पॉजिटिव हमें देखने को मिल रहा है, तो ये वाली पॉजिटिव अपडेट रही। और बाकी जो काम की अपडेट थी आज के दिन की वो मैंने आपको बता दी कि भैया देखो बिटकॉइन का क्या सीन मुझे दिख रहा है। इसके अलावा इंडिया जो है वो ग्लोबल डेटाबेस तैयार कर रहा है, और शिबा इनू के केस में आप थोड़ा सा अलर्ट रहना। बाकी ऐसी कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट अभी तक मार्केट से मुझे मिली नहीं, मिलेगी तो ट्विटर पर और टेलीग्राम पर मैं शेयर कर दूंगा, तो वहां पर मुझे ज्वाइन करना। बस आज का इतना ही वीडियो था, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही के काम का, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके लेना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद जय भारत।